फ्रेंड्स, मैं रितु पाठक आज फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं टॉपिक क्या है। ऑब्स्टेट्रिक्स इसका टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम क्या है? गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या है? जैसे जेनेसिस का मतलब क्या है? बनना। और गैमेटो का मतलब क्या है? गैमेट। तो गैमेट क्या होता है? गैमेट क्या है? तो गैमेट मेल और फीमेल सेक्स सेल्स हम बोल सकते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स है क्या है और ये कहां से प्रोड्यूस होता है? तो गैमेट गोनैड से प्रोड्यूस होता है। गोनैड्स गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं एंड मेल एंड फीमेल के अंदर गोनैड्स क्या होते हैं? तो मेल गोनैड्स हम टेस्टिस को बोलते हैं एंड फीमेल गोनैड्स हम किसको बोलते हैं? ओवरी को बोलते हैं। तो मेल एंड फीमेल गोनैड्स क्या है? मेल गोनैड्स टेस्टिस है एंड फीमेल गोनैड्स ओवरी है और इसी को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल ओवरी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्या है? गैमेट। तो यही टेस्टिस एंड ओवरी क्या करते हैं? मेल एंड फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस किसको प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट को। मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा और मेल गैमेट क्या होते हैं? स्पर्म। सेम ओवरी क्या है? ओवरी क्या है? फीमेल गैमेट है और फीमेल गोनैड्स है और फीमेल गोनैड्स किसको प्रोड्यूस करेगा? फीमेल गैमेट को। फीमेल गैमेट को और फीमेल गैमेट क्या है? ओवा, या फिर इसी को आप क्या बोलते हो? ओवम। ओवम तो ये ओवा या ओवम को प्रोड्यूस करता है। कौन? ओवरी। तो इतना क्लियर हो गया। गैमेट क्या है? गोनैड्स क्या है? गोनैड्स वो है जो गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं और गैमेट क्या है? स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है कि ये स्पर्म और ओवम बनते कैसे हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस में वो क्या होगा? वो है स्पर्मेटोजेनेसिस की स्पर्म कैसे बनता है। तो स्टार्टिंग ये कैसे बनता है? मेल जर्म सेल्स और मेल जर्म सेल्स जो है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? स्पर्मेटोगोनिया में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। और जब भी माइटोसिस डिवीजन होता है तो जो क्रोमोजोम्स के नंबर होते हैं डॉटर सेल्स में वो इक्वल होते हैं। अगर स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोजोम्स नंबर 46 है तो यहां माइटोसिस डिवीजन होके स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी कितना क्रोमोसोम्स होगा? 46, क्योंकि डिवीजन कौन सा हुआ है? माइटोसिस डिवीजन हुआ है। तो माइटोसिस डिवीजन से क्रोमोसोम्स नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। डॉटर सेल्स जो बनेंगे क्रोमोसोम्स नंबर इक्वल होंगे। अब कौन सा डिवीजन होगा? अब इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जो होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम्स नंबर अब क्या होंगे? ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है इसमें क्रोमोसोम्स नंबर डिवाइड हो जाएंगे। जहां 46 थे अब इसमें 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। क्योंकि ये मेल है तो ये एक्स हो जाएगा। इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स होगा वो एक्स होगा और इसमें एक में वाई होगा। क्लियर है कि मियोसिस फर्स्ट होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा और क्रोमोसोम्स नंबर डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम्स नंबर डिवाइड हो जाते हैं तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद हम चलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद आगे कौन सा डिवीजन होगा? तो इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में
इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अब जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा, मियोसिस, मियोसिस टू। और मियोसिस टू होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ये क्या बन जाते हैं, स्पर्मेट्रिड्स। यहां पे ये कितने थे, दो थे, अब इससे कितने बन जाएंगे, फोर। क्लियर है, मियोसिस सेकेंड हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से यहां पे क्या बन गए, स्पर्मेट्रिड्स। हम बोलेंगे ये क्या है, स्पर्मेट्रिड्स है, स्पर्मेट्रिड्स। और इसमें क्रोमोसोम्स नंबर क्या रहेंगे, मियोसिस सेकेंड जब होता है तो क्रोमोसोम्स नंबर क्या होते हैं, 23 था, तो डॉटर सेल्स में भी 20-23 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। क्रोमोसोम्स नंबर का डिवीजन नहीं होगा, क्रोमोसोम्स जितने थे उतने ही रहेंगे, तो सब में 23 क्रोमोसोम्स होंगे। अब एक्स वाला था तो यहां पे भी ये दोनों जो बनेंगे वो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स ही होगा, और इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स होगा क्योंकि ये वाई था तो यहां पे वाई और वाई होगा। क्लियर है, तो ये स्पर्मेट्रिड्स हैं। स्पर्मेट्रिड्स क्या है, अभी ये स्पर्म जो बना है वो मोटाइल नहीं हुआ है, मोटाइल होने के लिए फिर से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होगा, तो हम बोलते हैं स्पर्मेट्रिड्स में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। एंड ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन से स्पर्मेट्रिड्स से अब ये क्या बन जाएंगे, जितने भी हैं फोर, जितना भी आपने फोर देखा है ये सब स्पर्म बन जाएंगे। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, यस, अब ये क्या बन गया, स्पर्म। अब ये कैसा हो गया है, मोटाइल, ये स्पर्म बन गया है और ये कैसा हो गया है, मोटाइल हो गया है। मींस सबसे पहले स्पर्मेटिड्स बना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होके वो स्पर्म्स बने, और इस प्रोसेस को जिसमें ये क्या बनता है, इमोटाइल से मोटाइल स्पर्म बनता है, इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर हो गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। तो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है कि मेल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया से पूरे इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें कितना टाइम लगता है पूरे प्रोसेस में, 72-74 डेज का टाइम लगता है। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस एक मेल में कब स्टार्ट होता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब उस मेल की प्यूबर्टी आती है उस टाइम से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आई थॉट आपको ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर हो गया होगा कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट कब होता है, और मियोसिस फर्स्ट होता है तो प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। तो यहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको इजिली कर सकते हो। तो आई थॉट गैमेटोजेनेसिस का फर्स्ट पार्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पार्ट टू में ऊजेनेसिस डिस्कस करेंगे। जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, प्लीज उसे कमेंट में आप मुझे बताओ, और आप जो भी टॉपिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हो उस टॉपिक को आप कमेंट्स में बताओ, मैं उसके रिगार्डिंग जो है वो वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।